भाई लगभग लगभग हमारी। तो हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल है आप लोगों के। मैं बहुत सही हूँ, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 के अराउंड। मैं उठ गया था सुबह 4:30 बजे के अराउंड, थैंक्स टू माय फ्रेंड जो उसने कॉल करके उठा दिया, वरना शायद से सोते ही रह जाता। बट 4:30 बजे उठ के अपना नहा धो के रेडी हो गया हूँ। अब मैं जा कहाँ रहा हूँ, आपको याद होगा कि मैं अभी पिछले 1-2 महीने पहले चुलकाना धाम गया था। हमारे जानकपुरी से बस यात्रा गई थी, ठीक है। तो वो हर महीने यहाँ दिल्ली धाम पे पैदल यात्रा लेके जाते हैं। तो पिछले बहुत टाइम से मैं प्लानिंग कर रहा था जाने की, बट किसी ना किसी रीज़न से ना नहीं जाता था, बाबा का बुलावा आ ही नहीं रहा था वहाँ के लिए। बट आप देखो फाइनली बुलावा आ गया। और फिर जब सुबह उठा तो देखा बारिश हो रही है। मैं भाई साहब, एक तो इतने मुश्किल से प्लान बना था जाने का और फिर बारिश हो रही है। बट कोई दिक्कत नहीं है, बाबा का बुलावा आया तो जाना तो है ही। अब थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, वो भी रुक जाएगी थोड़ी देर में। तब तक हम वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे आरती वारती स्टार्ट करते हैं, आरती में शामिल होते हैं, देन उसके बाद पैदल यात्रा स्टार्ट। अभी जुड़े रहो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। असली परीक्षा अब होगी बारिश में, कि बारिश में भी जो लोग जा रहे हैं ना वो कसम से सच्चे भक्त है बाबा के। तो बस पहुँचते हैं, ठीक है। जय बाबा की। भाई साहब बाबा की कृपा ही है, इतनी बारिश में, मतलब इतनी नहीं, मतलब हाँ बारिश में भी लोग इतनी भीड़ में इतनी कतार में आए हैं यात्रा में शामिल होने के लिए। तो कसम से बहुत अलग ही लेवल है, बाबा का प्रेम भक्तों के लिए अलग ही लेवल पर है, अलग ही लेवल पर। और क्यों ना हो, बाबा देवता भी तो छोली भरकर है, सारे का सहारा भी तो है बाबा। तो बस रहो आप हमारे साथ इस पूरी यात्रा में शामिल रहो और इन्जॉय करो पूरी यात्रा को।
जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जोश कम हो रहा भाई, तेज तेज बोलो। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की, तीन बाण धारी की, लीले घोड़े वाले की। जय श्री श्याम। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। भाई पूरी तगड़ी फील आ रही है। बारिश में भी लोग इतने जज्बात के साथ, इतने उत्साह के साथ जा रहे हैं ना, मजा आ रहा है। पूछते हैं लोगों से अभी कि उनको कैसा लग रहा है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो सही, मजा आ रहा है इसमें बारिश में बहुत ज्यादा। Thank you.
भाई लगभग लगभग हमारी 5:30-6 बजे से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी और अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं, तो अराउंड 2-3 घंटे हो गए हैं। बट अभी तक वही जोश है, उत्साह है लोगों का। और मैं छतरी इसलिए हटा नहीं रहा क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, हटा भी सकता हूँ बट ये जो मैंने कैप लगा रखी है भीगनी नहीं चाहिए, सो डैट्स वाई मैं अभी छतरी हटा नहीं रहा। बट हाँ, मज़े पूरे आ रहे हैं। अगर ये छतरी नहीं होती या बारिश नहीं होती ना तो और भी मज़े ले लेता मैं। बस ये कोई नहीं, जैसे बाबा की इच्छा, बट मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। आप भी अगली बार आना जरूर जुड़ना, डिस्क्रिप्शन कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा जिसको भी जुड़ना हो। हर महीने की लास्ट संडे को हमारी यात्रा निकलती है, हर महीने जाती है और आखिरी संडे को, तो जिसको भी जुड़ना हो जुड़ो भारी मात्रा में, बहुत मज़ा आएगा। बताओगे आप भैया? हमारी सेवा जो चल रही है बहुत चल रही है। हम टोकन बांटेंगे, फिर टोकन से क्या होगा? टोकन बांटने के बाद, दर्शन करने के बाद हम इसको यहाँ पे ब्रेड वगैरह खिलाएंगे, ब्रेड वगैरह छोड़ी सबके लिए अवेलेबल है। बहुत सही, जय श्री। हमने पानी बांध दिया।
हमने इनको कोल्ड ड्रिंक दी है सबने। जय श्री श्याम। भाई बोले कुछ सुमित भाई से, बुलवाओ कुछ सुमित भाई से। सुमित भाई समझाने लग रहे हैं, शर्मा रहे हैं सुमित भाई। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई। सुमित भाई आप ये बताओ कि कितने टाइम से हमारी ये यात्रा चल रही है? हमारे को 13 महीने हो गए, हमारी 13वीं यात्रा है। बहुत सही। हमारी यात्रा चली जा रही है, हर यात्रा में मिनिमम 200 यात्रा हमारे साथ है हमेशा, और ऐसी हम आशा करते हैं कि बढ़ते रहे हमारे साथ। तो मैंने अभी यश भाई, यश नाम है ना भैया का, तो इंटरव्यू, वो बोल रहे थे कि अब बस यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है, तो कब से क्या स्टार्ट होगी वो बस यात्रा? थोड़ा सा अभी मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया, तो बस का सोचते हैं कि विंटर से स्टार्ट करें। एक पहली बस यात्रा तो हमारी हो चुकी है। हाँ, वो सबने देखी है। हाँ, पहली बस यात्रा हमारी हो चुकी है, दूसरी यात्रा हम ठंड में स्टार्ट करेंगे। बारिश में आना जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, सबके लिए दिक्कत होगा, तो इस वजह से विंटर में स्टार्ट करेंगे। और विंटर में ही हमारा सितंबर अगस्त में हमारा एक जागरण हो सकता है। जय श्री श्याम। सबको आना है जागरण में, बोल दो सबको। सबको आना है जागरण में, हमारे यूट्यूब प्रेमी भी आए, जो भी देखे हमारी वीडियो, सब लोग हमारी जागरण में भी आए, हमारी यात्रा में भी जुड़े, दर्शन करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो फाइनली 3-4 घंटे की यात्रा के बाद हम बाबा के दरबार पहुंच चुके हैं, और जो रिलीफ मिल रहा है ना देख के बाबा को, मतलब अभी अंदर नहीं गए, बाहर से दिख रहा है, देखो दिखाता हूँ। जय बाबा। जय श्री श्याम। 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 बाबा तेरी जय जयकार। दोस्तों आ चुके हैं बाबा के धाम। इतने टाइम, इतनी देर चलने के बाद, 3-4 घंटे चलने के बाद फाइनली जब बाबा के दर्शन हुए तो मज़ा आ गया। तो अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करके आते बाबा के। राम।
जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार। तो जय श्री श्याम दोस्तों, दर्शन हमारे बहुत सही हो गए हैं, आपने भी कर लिए होंगे, बहुत बढ़िया दर्शन। बाकी बारिश बहुत सही हो रही है, मतलब रिमझिम रिमझिम हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है वैसे। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा कुछ खा पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर सुबह फिर अभी ऑफिस भी जाना है, तो जितना जल्दी हो सकता है निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। जय श्री श्याम दोस्तों, और मौसम की तो क्या ही बात करें, अभी तक बारिश हो रही है भाई कसम से। आज बाबा को बुला नहीं था अपने दरबार पे, इतना बढ़िया मौसम कर रखा है ना सुबह से, बहुत सही मौसम हो रहा है। और फाइनली हमारे दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे, जो हमारा श्याम सेवा परिवार है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमारी, मतलब हमने खूब अच्छे तरीके से लोगों के दर्शन करवाए। बीच में हमने पानी भी डिस्ट्रीब्यूट करा लोगों को, लाहौरी जो ड्रिंक होती है, छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह जो है वो भी सबको प्रोवाइड करी है, एंड प्रसाद का भी हमने सबको अरेंज करवाया। तो बहुत सही दर्शन हो गए, बहुत सब मज़ा आ गया। आशा करता हूँ कि अगली बार जब भी हम जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में लोग आएंगे। और आज जो सुबह बारिश हो रही थी ना, लग ही नहीं रहा था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, बट फिर भी बहुत बढ़िया लोग आए, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया था आज। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी अगर हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हो तो मैसेज कर दो, स्टेटस वगैरह में लगाता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूंगा, मैसेज कर दो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे अपने। फिर कभी भी जब भी हमारा कोई फंक्शन या जागरण या कुछ भी हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना, आप आ सकते हो, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।